आज के इस वीडियो में हमारा मुद्दा है, जो टॉपिक है वो ये है, 4-bit पैरेलल एडर हमें बनाना है यूजिंग फुल एडर। तो फुल एडर को यूज करते हुए 4-bit एडर हमें बनाना है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो 4-bit एडर है इसका काम क्या है। 4-bit एडर दो 4-bit बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकता है। तो एक ऑपरेशन एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना है एक 4-digit बाइनरी नंबर 1011, और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1101। तो फिर जब ये परफॉर्म किया जाएगा, ये सम परफॉर्म किया जाएगा, तो एक 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 ऐसा सर्किट जो कि इसे परफॉर्म कर पाएगा उसी को हम कहेंगे 4-bit एडर। तो ये जो 4-bit एडर है इसमें तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितना इनपुट होगा। तो देखिए दो नंबर्स हैं, एक नंबर को नाम दे देते हैं ए और दूसरा नंबर जो है ये दूसरा नंबर है बी। तो ए के लिए 4 bits है, बी के लिए 4 bits है। तो ए का 4 inputs और बी के लिए 4 inputs। तो सबसे पहले ए के लिए 4 input, 1, 2, 3 और 4। इसे कुछ ऐसे नाम दिया जाता है A0, A1, A2 और A3। मतलब कि ये जो है ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। उसी तरह से B के लिए भी इनपुट B0, B1, B2 और B3। सो B0, B1, B2, B3 ये सारे हो गए इनपुट्स। और साथ ही साथ एक और इनपुट यहां पर आता है जो कि है कैरी। इस पे हम आगे बात कर रहे हैं, कैरी इन कहा जाएगा यहां पर इसे। और इसका जो आउटपुट होगा यहां पर अगर हम इसे ऐड करते हैं, चलिए एक बार ऐड कर लेते हैं। सो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 1+1=2। तो 2 को 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही 0 यहां पर जो कि इसमें इसका सम होगा। और साथ ही साथ जो 1 बना ये 1 यहां से कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, जो 1 बनेगा 1 यहां से कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा और ये एस ऑपरेशन में आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। अब 1+1+0=1, वंस अगेन 2। सो 2 के लिए फिर से 0 और कैरी हो जाएगा ये 1 कैरी हो जाएगा और वो यहां पर आ जाएगा इस ऑपरेशन में। फिर 1+1=2, वंस अगेन 2। सो यहां पर फिर से 0 और फिर से ये कैरी हो जाएगा 1 कैरी हो गया और 1+1+1 यहां पर 1 कैरी हुआ है। सो 1+1+1=3। 3 होगा यहां पर सम के तौर पे, ये देगा 0 और जो कैरी है वो कैरी यहां से बाहर निकल जाएगा और यही कैरी होगा यहां से आउट, जिसे कि सी ओ से रिप्रेजेंट हम करेंगे। सो ये हो गया कैरी आउट। देखिए इस तरह का जो ऑपरेशन है दो बिट्स को या दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करने के लिए, हमें पता है ये पूरी तरह से दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सकता है, वो है फुल एडर। एक फुल एडर से हम दो बाइनरी डिजिट्स को पूरी तरह से ऐड कर सकते हैं। फुल एडर और हाफ एडर में जो डिफरेंस है वो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर फुल एडर के बारे में डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार में भी जाके लिख सकते हैं फुल एडर EduPoint, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। सो फुल एडर क्या करता है, फुल एडर दो डिजिट्स को ऐड कर सकता है, साथ ही साथ ये कैरी इन के साथ भी डील कर सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले इसका, इस ऑपरेशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इस ऑपरेशन में देखें दो बिट्स को ऐड किया जा रहा है 1 और 0, साथ ही साथ यहां पर 1 कैरी के तौर पे इन हो रहा है तो उसे भी वो परफॉर्म कर पाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऑपरेशन में, अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन में सम के तौर पे इसने 0 दिया और यहां पर कैरी आउट के तौर पे इसने 1 दिया, जो 1 अगले ऑपरेशन में, इस वाले ऑपरेशन में जो 1 कैरी इन का काम कर रहा है। सो यहां पर यही 1 कैरी इन का काम कर रहा है।
तो अगर हम ये फुल एडर बनाते हैं तो यहां पर कुछ आउटपुट्स भी होंगे। तो आउटपुट अगर देखें यहां पर तो चार आउटपुट, चार फोर बिट या फोर आउटपुट लाइन होगा। एक तो यहां पर ये पहला ऑपरेशन का सम है, ये दूसरा ऑपरेशन का सम है, ये तीसरा ऑपरेशन का सम है और ये फोर्थ ऑपरेशन का सम है। इन्हें भी कुछ उसी तरह से नाम दे देते हैं, एस जीरो, एस वन, एस टू, एस थ्री। सो ये हो गया एस जीरो, एस वन, एस टू और एस थ्री। ध्यान से देखिए कि लास्ट जो ऑपरेशन हो रहा है यहां पर, ये जो लास्ट ऑपरेशन है, इस लास्ट ऑपरेशन का जो सम है ये सम है S3, और इस लास्ट ऑपरेशन का जो कैरी आउट है वही हो गया फाइनल कैरी आउट। तो इसी को अब हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग फुल एडर्स। कितने फुल एडर्स यहां पर यूज होंगे? चार फुल एडर्स यूज होंगे। एक तो इसे ऑपरेट करेगा, इसे परफॉर्म करेगा, दूसरा इसे, तीसरा इसे, चौथा इसे परफॉर्म करेगा। सो ये है फोर बिट, फोर बिट एडर। इसे कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे? इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चार फुल एडर चाहिए होगा, फोर फुल एडर्स। तो ये हो गया पहला फुल एडर। फुल एडर में इनपुट के तौर पे दो बिट्स तो आता ही है, साथ ही साथ एक कैरी इन भी आता है। ये दूसरा फुल एडर और ये तीसरा, थर्ड फुल एडर और ये फोर्थ फुल एडर। फोर्थ फुल एडर यहां पर ये हो गया फोर्थ फुल एडर। तो देखिए जब हम दो बाइनरी नंबर्स को, फोर डिजिट बाइनरी नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो जो पहला ऑपरेशन होगा, ये जो पहला ऑपरेशन हो रहा है, ये पहला डिजिट है, ये भी पहला डिजिट है। तो जब ये ऑपरेशन हो रहा है तो यहां पर जो कैरी इन होगा वो कैरी इन जीरो होगा। सो ये जो कैरी इन है ये कैरी इन जीरो होगा। तो जब इसे जीरो होना ही है तो ये लाइन यहां पर रहता क्यों है, ये इनपुट। तो देखिए जब दो फोर एडर्स को, फोर बिट एडर्स को मिला के एट बिट एडर्स बनाया जाएगा तो तब क्या किया जाएगा कि यहां पर एक और फोर बिट एडर आ जाएगा, एक फोर बिट एडर और दूसरा फोर बिट एडर। तो इस फोर बिट एडर से जो कैरी आउट होगा वही दूसरे का कैरी इन बन जाएगा। सो ये जो इनपुट लाइन है इसीलिए ये वाला इनपुट लाइन रहता है। अब देखिए इसी को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, चार फुल एडर्स है हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसे शिफ्ट कर लेता हूं यहां से, थोड़ा सा हल्का सा हमने कर लिया शिफ्ट। तो देखिए सबसे पहले ये A0 और B0 को ऐड करेगा, ये पहला फुल एडर है। तो उसके लिए दो लाइंस A0 और B0 को ये ऐड करेगा। सो A0 और B0 साथ ही साथ यहां पर ये जो Cn है, कैरी इन, वो आया यहां पर Cn जो कि जीरो होगा ऑब्वियसली। अब यहां ये देगा एक सम, तो यहां से निकल गया एक सम जो कि होगा S0। यहां से देखिए ये जो पहला सम है दैट इज S0, दूसरा जो सम है दिस इज S1, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। सो पहला जो सम ये देगा, पहला जो फुल एडर है, दिस इज अ फुल एडर, पहला जो फुल एडर है ये भी एक फुल एडर है। सिमिलरली चारों का चारों जो है ये फुल एडर्स हैं। तो पहला जो फुल एडर है ये जो आउटपुट देगा सम के तौर पे ये होगा S0। अब यहां से जो कैरी आउट निकलेगा, जो कैरी आउट होगा वही दूसरे फुल एडर का कैरी इन होगा। देखिए यहां से इस ऑपरेशन से जो कैरी आउट हो रहा है वही जाके कैरी इन हो रहा है इस ऑपरेशन में। सो ये इसका जो कैरी आउट है ये इसके लिए कैरी इन है। सो यहां का सी आउट जो है, सी आउट फॉर द फर्स्ट फुल एडर इज सी इन फॉर द सेकेंड फुल एडर। तो इस बात को आप समझ पाएंगे, तो यहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। सिमिलरली अब क्या होगा, दूसरा
दूसरा सेट ऑफ बिट्स को जब ये ऐड करेगा तो यहां पर A1 और B1 को ये ऐड करेगा, साथ ही साथ कैरी तो यहां आ ही चुका है यहां से, तो ये जो सम देगा ये सम ये हो जाएगा S1। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, यहां से कैरी आउट होगा, यहां कैरी इन होगा और यहां पर हो जाएगा A2 B2 और ये जो कैरी आउट देगा दैट इज S2। और फिर सेम चीज सेम उसी को रिपीट करना है हमें, और यहां पर हो गया A3 और B3 और ये आउटपुट देगा हमें S3 sum 3 और यहां से एक कैरी आउट होगा। फाइनली ये जो कैरी आउट हो रहा दैट इज द फाइनल कैरी आउट, ये वाला जो कैरी आउट है CO। तो देखिए अगर हम इसी वाले एग्जांपल को कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर 1 कैरी इन के तौर पे आ रहा था और 1 और 1 को जोड़ना था, तो सम जो होगा जो फाइनल रिजल्ट होगा 1+1+1 इज इक्वल टू 3। सो यहां पर मैंने गलती से यहां 0 लिख दिया था, दैट इज इक्वल टू 3, तो यहां ये हो जाएगा 1 1 1 और ये कैरी आउट के तौर पे भी 1 देगा। सो ये देखा 5-bit नंबर हो गया, यहां पर ये 5-bit नंबर हो गया, ये 1 यहां पर आना चाहिए। सो जो कि सी आउट होगा, CO होगा, फाइनल कैरी आउट होगा। सो जब आप 2 4-bit नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो हो सकता है 4-bit नंबर आपको मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5-bit नंबर आपको मिले। तो इस केस में हमें 5-bit नंबर मिल रहा, मतलब ये बना कि अगर CO फाइनल जो कैरी आउट है वो CO उसका वैल्यू अगर 0 हुआ तो हमें 4-bit नंबर मिलेगा, उसका वैल्यू अगर 1 हुआ तो हमें 5-bit नंबर मिलेगा। सो फाइनल जो नंबर है दैट नंबर फाइनल नंबर जो है वो ये वाला नंबर होगा, ये वाला। CO पे डिपेंड करता है कि इसे हम 4-bit नंबर कहेंगे या 5-bit नंबर कहेंगे। तो इस तरह से 4 फुल एडर्स को यूज करते हुए हम 4-bit एडर बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रिलेटेड सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।